राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह वी ने अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी को एक क्राफ्ट कंपनी बताया और अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए दो साल पुरानी 417 पेज की फाइल बनाकर बदनाम करने की कोशिश की। हिंडनबर्ग को पता होना चाहिए अडानी ग्रुप का भारत के किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं है। बिल्कुल उज्जवल छवि के धनी है गौतम अडानी। आइए जानते हैं चाणक्य सिंह वी ने क्या कहा। अडानी के शेयर्स को कम बताने का क्या कारण रहा सर? अरे सटोरियों का खेल है। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, कागजी शेयरों के मूल्य घटाने बढ़ाने से एसेट के मूल्य थोड़ी घटते हैं। आज बिड़ला के शेयर का मूल्य जीरो कर दो, पर वो रेणुकूट का मालिक तो है, वो रहेगा। हिंदुस्तान मोटर का तो मालिक है, वो रहेगा। वो सीमेंट की फैक्ट्रियों का बादशाह है, वो रहेगा। ये पेपरों की वैल्यू बढ़ाना, शेयरों की वैल्यू बढ़ाना, शेयरों के भाव घटाना, शेरों के भाव बढ़ा, ये तो एक सटोरियों की गैंग है। ये सटोरियों की गैंग का धंधा है। वो मिलजुल करके भाव बढ़ा देते हैं। जब भाव बढ़ाने होते हैं तो तारीफ कर देते हैं, भाव घटाने होते हैं तो आरोप लगा देते हैं। इट इज नथिंग। हिंडनबर्ग क्या है? मैं हिंडनबर्ग की कोई हैसियत मानता नहीं। अब वहां बैठा हिंडनबर्ग अडानी के राष्ट्रीय इतने बड़े समुदाय के सारे उद्योगों का आकलन कर रहा है। क्यों? तुम क्या दिव्य दृष्टि है तुम्हारे पास? तुम वो हो जो कृष्ण के साथ बैठ करके माँ युद्ध देखा करते थे, वो तो तुम हो नहीं। ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है। भारतीय आदमी कैसे विश्व के श्रेष्ठतम तीन आदमियों में आ गया? इसके प्रति ईर्ष्या है, इसके प्रति जलन है, इसके प्रति दुख है। इसके कारण कुछ लोगों ने जो भारत के भी हैं, कुछ विदेशियों ने देखा, ये भारतीय आज तीसरे नंबर पर आ गया है, कल ये पहले नंबर पर भी आ सकता है। इसको रोको, इसके ब्रेक लगाओ। अब ब्रेक कैसे लगाओ? जो अमूजा प्रॉफिट में तो प्रॉफिट में रहेगी, एसीसी प्रॉफिट में रहेगी, अडानी पावर प्रॉफिट में रहेगी, अडानी गैस प्रॉफिट में रहेगी। भाव घटा सकते हो कृत्रिम रूप से, कागजी वैल्यू घटा सकते हो, एसेट की वैल्यू नहीं घटा सकते। जब तक अडानी का हर वैश्विक एसेट माइनस लाइबिलिटी पॉजिटिव है, तब तक अडानी के भाव घटेंगे। टेम्प्रेरी झटका दे दिया है, वापस उठ जाएगा। मैं आपको देखते देखते बता दूंगा कि 6 महीने में अडानी पहले वाली स्थिति से भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। आप बताइए, उसके शेयरों को रोकने के लिए, उसका FPO आ रहा था उसको फेल करने के लिए ये साजिश की गई। और हुआ क्या? FPO हो गया, सब्सक्राइब हो गया, 1.03% बढ़ के हो गया। इस प्रकार के साजिश षडयंत्र देशद्रोह के बड़ा अपराध है, वो अपराध किया है इसने। इसका नाम भूल जाता हूँ बार बार, हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग साहब, आप भारत को समझो, भारतीयों को समझो। तो थोड़े दिनों के लिए तो आपके झांसे में, आपके ब्लफ में, आपकी धोखाधड़ी में आएगा, पर जिसकी आंखें खुल जाएगी तो फिर वो भगवान शंकर के तीसरे आँख की तरह खुलेगी। उसके अंदर आपका झूठ, आपका अपराध, आपके आरोप, आपकी वैल्यूएशन भस्मीभूत हो जाएंगे। और थोड़े दिनों बाद लोग कहने लग जाएंगे, ये तो इनका धंधा है, शेयरों के भाव घटाना तो बेच देना, बढ़ाना तो खरीद लेना। ये धंधा शेयर मार्केट का है, उद्योगपतियों से भी ज़्यादा शेयर मार्केट वालों का हाथ है। ये शेयर मार्केट इलेक्शन में करते हैं ना, जिसको जिताना चाहते हैं उसके भाव बढ़ा देते हैं, जिसको हराना चाहते हैं उसके भाव घटा देते हैं। ये वही शेयर मार्केटियों का खेल है। इसका अडानी को शिकार बनाया जा रहा है। अडानी पर आते एक भी आरोप नहीं, एक भी CBI की इंक्वायरी नहीं, एक भी ED की इंक्वायरी नहीं, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? उसके बारे में एक बात बोल सकते हो, क्योंकि एसेट वैल्यू से तो बताओ, क्या अंबुजा का एसेट पहले नहीं था? उस बढ़ाया अडानी, वही एसेट वैल्यू पहले थी जो अब है, वही एसएससी की एसेट वैल्यू पहले थी वो अब है, अडानी पावर की वही है, अडानी पोर्ट की वही है। इसलिए ये जो काम हो रहा है, ये भारत की संप्रभुता, भारत के उद्योगों के बढ़ते हुए साहस, उसके विरुद्ध बहुत खतरनाक आरोप है। इस आरोप को हर आम जनता को ठुकरा देना चाहिए, और इसका बदला लेने के लिए हर भारतीय को खुलेआम से अडानी के साथ खड़ा होना चाहिए, उसके साथ अपने आप को सब्सक्राइब करना चाहिए।